नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुषमा। आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा जिसमें कहते हैं कि दाग अच्छे हैं, लेकिन हर दाग अच्छा नहीं होता है, और खास तौर पर अगर खाकी पर दाग लग जाए भ्रष्टाचार का, तो वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर खाकी ही दागदार होगी तो इंसाफ की गुहार आप किससे लगाएंगे? खाकी ही खाएगी तो इंसाफ कौन दिलाएगा? और अगर खाकी ही भ्रष्टाचार में डूबी होगी तो जो मुलजिम है वो सलाखों के पीछे कैसे जाएंगे? अचानक से ये बात हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आप लगातार खबरें जब देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक एक कर कई सारे मामले सामने आते हैं भ्रष्टाचार के। एसीबी ट्रैप करती जाती है पुलिस वालों को। अब जब पूरी एसीबी की रिपोर्ट को हम देखते हैं, कुछ आंकड़ों को देखते हैं, तो उसमें अव्वल खाकी दिखाई देती है। इन सब के बीच में सवाल ये पैदा होता है कि स्वच्छ और बेदाग छवि के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों के बीच भ्रष्टाचार मुक्त माहौल पैदा करने के लिए हर संभव कोशिश तो करते हैं, तो दूसरी ओर व्यवस्था स्थापित करने वाली पुलिस मुख्यमंत्री की छवि को बदनाम करने में लगी हुई है। हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, उसने एक रिपोर्ट तैयार किया जिसमें सामने आया कि प्रदेश में राजस्थान पुलिस के हाथ घूस की रकम से ज्यादा काले हुए हैं। प्रदेश पुलिस 2018 और 1 जनवरी से 28 अगस्त 2019 तक, यानी कि इस साल की हम कुछ महीनों की बात करते हैं, उसमें घूस लेने के मामले में नंबर वन है। लेकिन यहाँ पर एक और बात, अगर रिपोर्ट को आप देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे, तो समझ में आती है कि कोई विभाग पीछे नहीं है यहाँ पर। जैसे कि घूसखोरी का कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है, राजस्व विभाग दूसरे स्थान पर है, पंचायती राज तीसरे स्थान पर है, और अगर आप इस फेहरिस्त को देखते जाएंगे, आंकड़ों को देखते जाएंगे, तो हैरान हो जाएंगे। सवाल यह उठता है कि क्या मरुधरा को मार रहे हैं ये भ्रष्टाचारी? सवाल यह उठता है कि अगर खाकी पर ऐसे दाग होंगे तो आप किससे इंसाफ की गुहार लगाएंगे? सवाल ये कि भ्रष्टाचार की जड़ कैसे खत्म होगी? सवाल ये कि जब प्रधानमंत्री और सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने की बात कहते हैं, तो ये कैसे खत्म होगा? उनके सपनों को कौन धूमिल कर रहा है? इसकी वजह क्या है? इसका क्या सलूशन है? इस पर जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, एसीबी की जो रिपोर्ट है, जो आंकड़े हैं, वो भी हम आपको दिखाते जाएंगे, इस पर हम चर्चा भी करते जाएंगे, और अगर आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम पर चौतरफा वार है भ्रष्टाचार का, तो अगर कभी आपको भी दो चार होना पड़ा है, या फिर किसी और परेशानी से आप जूझ रहे हैं, या इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके पास कोई सोल्यूशन है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर भी फ्लैश होंगे, उनके जरिए आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं फर्स्ट इंडिया के साथ, और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। चलिए तारुफ करवा देती हूँ जो यहाँ पर मेहमान है उनसे। सुरेंद्र ननुका जी बीजेपी नेता हैं, अनिल गोठवाल जी पूर्व आईपीएस हैं, भंवर सिंह शेखावत जी लेफ्ट नेता हैं, अश्विनी चौबीसा जी एडवोकेट हैं। लेकिन एक सबसे खास बात जो यहाँ पर देखने को मिलती है कि लगातार ट्रैपिंग की कोशिशें तो हो रही हैं, ट्रैपिंग के मामले बढ़ रहे हैं और काफी एक्टिव ऐसी भी दिखाई देती है, लेकिन जब सजा की बात आती है, ट्रैपिंग के बाद जब ट्रायल की बात आती है, तो कुछ पिछड़ते हुए हम दिखाई देते हैं। तो क्या इसमें वाकई में पेचीदगियां हैं? एसीबी की पावर को लेकर क्या सवाल हैं, या इन सब के बीच में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर मंशा की कमी हो जाती है? इन सभी सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे नरुका जी से। नरुका जी, 2015 का खान घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला जिसमें आपके एक अधिकारी फंसते हैं आईएएस लेवल के, बाद में उनको बहाल भी कर दिया जाता है, प्रमोट भी हो जाते हैं, तो अकेले एसीबी क्या कर लेगा सर? एक एसीबी को पावर दिया जाता है, वो वहां के जो प्रदेश का मुखिया है, उस मुखिया का कितना उस पे पकड़ है, इस पे डिपेंड करती है। 2015 में सत्ता पर कौन था जब सिंघवी जी फंसे थे? 2015 में जो घूसकांड हुआ आपने बताया, उस पे बाकायदा कार्रवाई हुई, कार्रवाई के कारण ही वो सलाखों के पीछे गया। अच्छा। ये भी आप इसमें बताएं, और उसके बाद में आज की जो बात बताएं, या 2015 से लेके लगातार आप अनगिनत अजमेर मंथली केस, उसमें सलाखों के पीछे एसपी जाते हैं, आज वो प्रमोट होकर के एक बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं। दूसरा लिपिक भर्ती धांधली मामला, उसमें एक एसपी फंसते हैं, पुलिस के आला अधिकारी फंसते हैं, जेल जाते हैं, फिर से प्रमोट होकर बैठते हैं। ऐसे ना जाने कितने केसेस सर, एक एक करके गिनाती जाऊंगी तो कम से कम टिप्स पर आपकी 10 उंगलियां तो कम से कम भर जाएंगी। मैं कह रहा हूँ एसीबी की सरकार में तब कौन था? मुखिया की बात आप जब ले आते हैं प्रदेश के, तब मुखिया कौन था? सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उसके जो मुखिया थे, उसमें एसीबी ने
जो कार्रवाई की, मैं ये कहना चाहता हूँ एसीबी ने जो कार्रवाई की उसमें तुरंत उनको बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई। अब चार्जशीट के बाद में जो मैटर चला गया कोर्ट में, कोर्ट के बाद में जो प्रोसीडिंग हुई वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। किसकी जिम्मेदारी थी के बाद में, किसकी जिम्मेदारी होती वहां पर? अगर एडवोकेट आप रख रहे हैं, अगर वो ट्रायल चल रहा है तो मजबूती से पक्ष रखा जाए, सबूत रखे जाए, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है फिर? मैं कह रहा हूँ जितनी भी प्रोसिक्यूशन की जो कार्रवाई हुई, उस प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई में सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मैटर नहीं आया। आप भी देखें, आपने 2015 की बात की, 2015 से लेके और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस सरकार में कोई भी ऐसा मैटर था क्या जिसमें सरकार की सरकार बैकफुट पे आई? जो मैं आपको केस बता रही थी, भर्ती 2014 का मामला था, जो अजमेर मंथली मामला बता रही थी, 2013 का, 15 का आपने खुद बता दिया, जो मैंने शुरुआत जिससे की थी लगातार। गोठवाल जी सुषमा जी, मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूँ, आप एसीबी की बात करें, आप अभी की बात करें, आप बजरी घोटाला देखें, बजरी घोटाले में सरकार अभी का क्या खनन घोटाला बजरी से जुड़ा हुआ नहीं है सर? आपके समय में शेखावत जी ठीक है बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई, आप देखें यही तो बड़ी बात है। पुलिस कितनी बेखौफ होके कार्रवाई कर रही है, पुलिस कितनी बेखौफ होके बजरी का कांड इतना बड़ा पकड़ने के बाद में भी ऑटो से जाता है, ऑटो से जाते हैं, पहले भी तो था सर, था अधिकारी बेखौफ हो गए थे, पूरा का पूरा महकमा बेखौफ हो गया था 2015 में, वो तस्वीर सामने आ गई थी। शेखावत जी, मुख्यमंत्री के पास बताना चाहूंगा सुषमा जी, एक मिनट किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूंगा सुषमा जी, पहली बार दिनेश हेमंत जी ने इतने बड़े व्यक्ति पे हाथ डाला, पूरी आईएएस लॉबी ने ट्रांसफर करा दिया, और वो करने वाली कौन? मुख्यमंत्री सूबे की, उनका ट्रांसफर इसीलिए हुआ कि आपने कैसे हाथ डाल दिया मेरे आदमी के ऊपर, उनपे लिंक है, उनका मुख्यमंत्री से लिंक था सीधा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि उनका लिंक मुख्यमंत्री से था और उनको बहाल किया गया प्रमोट करके, तो इसका मतलब क्या कि सरकार केवल भ्रष्टाचार के नाम पर केवल भाषण देती है, करती कुछ नहीं है। पहली बार दिनेश हेमंत ने किसी बड़े अधिकारी पर हाथ डाला, नहीं तो किसको पकड़ते? सिपाही को, थानेदार को, तहसीलदार को, बाबू को, बिल्कुल, और ये बहुत उसी को पकड़ती है। ये बहुत बड़ी बात है, मछलियां उनको कोई नहीं पकड़ता। आईएएस आईपीएस आरएएस लेवल के अधिकारी अभी तक सजा नहीं पाए किसी करप्शन के मामले में, पकड़ते नहीं, उनके लिंक होते हैं बड़े बड़े, उसमें सरकार के लोग शामिल है इस भ्रष्टाचार में। गोठवाल जी, इतना बड़ा खामोखा एसीबी एक्शन तो करती है लेकिन कमजोरी कहां जाती है? कमजोरी कहां जाती है? ठीक है, अगस्त तक 2500 मामले ट्रायल पर पड़े हुए हैं, ये अपने आप एक बड़ी बात है। देखिए, मैं आपको सुषमा जी कहना चाह रहा हूँ कि दो चीजें हैं, एक तो प्रोसिक्यूशन की दिक्कतें आती है, दूसरा विभागीय कार्रवाई में दिक्कत आती है, क्योंकि विभागीय कार्रवाई के लिए एक्शन निर्धारित है कि वो 3 साल के बाद में वापस अगर कोई केस चल रहा है तो वो बहाल हो सकता है। उससे सीधा सरकार के ऊपर ये आक्षेप लगता है कि इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिली भगत करके ये कर लिया, तो एक तो विभागीय कार्रवाई को थोड़ा सा, ये सबसे अहम पॉइंट है कि अभियोजन जो होती है उसकी अनुमति बहुत लेट हो जाती है कई दफा, इस वजह से शायद केस कमजोर हो जाता है, इस पर हम बात करेंगे। एक हमारे साथ वीवर जुड़ गए चूरू से, जीआरजी जुड़ गए, जीआर कासवान जी जुड़ गए, सर क्या कहना चाहेंगे आप? जीआरजी तो पहले तो रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से जो हमें कॉल कर रहे हैं वो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके हमें कॉल करें ताकि आपकी सही ढंग से आवाज हम तक पहुंच सके और आप हमें सही ढंग से सुन सके और अपनी बात को अच्छे से रख सके, क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा है जिससे हमें रोजाना दो चार होना पड़ता है। ट्रैफिक को लेकर जो संशोधन किए गए मोटर व्हीकल एक्ट को, उसको भी भ्रष्टाचार के नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा है, वो भी अपने आप एक बड़ी बात है, यानी भ्रष्टाचार से रोज हमारा आमना सामना होता है। इन सबके बीच में अश्विनी चौबीसा जी जो हम ट्रायल की बात करते हैं कि ट्रैपिंग तो बहुत तेजी से होती है, ट्रायल बहुत कमजोरी के साथ होता है और यही वजह है कि अगस्त तक 2500 मामले ट्रायल पर पड़े हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या यहां पर वकीलों की गलती होती है या वाकई में हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, न्याय प्रक्रिया में गड़बड़ है? 24 आज नहीं, सबसे बड़ी उसमें कमी जो मुझे नजर आती है वो कोर्ट्स की संख्या में कमी है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स की संख्या में कमी है। जितने ऑफेंसेस हमारे यहां होते हैं उस हिसाब से कोर्ट्स इनसफिशिएंट हैं, तो सबसे बड़ी कमी ये होती है। इसके अलावा दूसरी कमी जो है वो प्रोसीजरल कमियां हैं। ट्रायल जो होता है, ट्रायल का ये उद्देश्य होता है, हमारे यहाँ पे जो क्रिमिनल लॉ है उसका ये प्रिंसिपल है कि कितने भी अक्यूज छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष जो है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ट्रायल का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि सारी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देते हुए ट्रायल की जाए। तो ट्रायल की जो स्टेजेस होती हैं,
जैसे फर्स्ट स्टेज ट्रायल की होती है कॉग्निजेंस, तो जब कॉग्निजेंस होता है उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, कॉग्निजेंस में कमी होती है तो उसको अपर कोर्ट्स में चैलेंज कर देते हैं। अगर कोई लीगल खामी अगर उसमें होती है तो वो अपर कोर्ट से स्टे हो जाता है, या अपर कोर्ट्स जो है उसकी केस डायरी मंगा लेती हैं या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसमें बुला लेती हैं, तो उस कारण से प्रोसीजरल डिले होती है। उसके बाद जब चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद भी उस चार्ज के खिलाफ रिविजन फाइल की जा सकती है उच्चतर न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। तो ट्रायल की जो स्टेजेस हैं, इसके अलावा अक्यूज को कई राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दिए हैं। मैक्सिमम ने जो देखा है ये डाउट ऑफ बेनिफिट का मिल जाता है फायदा यहाँ पर गोठवाल जी। गोठवाल जी, और हम देखते हैं कि पहले तो गिरफ्तारी में ही, अगर एसीपी हम आस मोहम्मद को देख लें तो वहां गिरफ्तारी में इतने महीने लग जाते हैं, तो ट्रायल में तो सालों लगेंगे, सबको पता समझ में आता है। तो क्या यहाँ पर ये माना जाए कि विभाग के कुछ अधिकारी हैं जिनका संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि आप इतने कमजोर तो नहीं थे कि आप आस मोहम्मद को इतनी जल्दी गिरफ्तार नहीं कर पाते? हाँ नहीं, ये बिल्कुल सही है, और ऐसा दिखाई प्रतीत होता है कि भाई उसको सीरियसली गिरफ्तार करने की कोशिश एसीबी के द्वारा नहीं की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है नंबर एक, उसको कहीं जाना नहीं, भागना भी नहीं चाहिए, उसको तो आना ही होगा। और वो आने के लिए एक प्रोसीजर होता है कि भाई सबसे पहले उसका उसकी तलाश की जाए, तलाश करने के बाद में कोर्ट से वारंट प्राप्त किया जाए, फिर उसके 82-83 की जो कार्रवाई है, कुर्की की कार्रवाई, जब कुर्की की कार्रवाई होना शुरू हुआ तब आस मोहम्मद प्रकट हुए। उससे पहले उनको ये लगा कि मैं जितने दिन पुलोन कर जाऊं या मेरे कहीं हाई कोर्ट के अंदर कुछ बेंच ऐसी आ जाए जिसके अंदर मेरे को अग्रिम जमानत मिल जाए या कुछ ऐसा है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसको अक्यूज्ड को डिले करने के लिए भी, जैसा अभी चौबे जी बता रहे थे कि प्रोसीजरल जो एक वो समय लगने की संभावना रहती है, उसको हर आदमी उसको लेना चाहता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको अग्रिम जमानत का, वो तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन सर वो तो हर केस में होता है, सिर्फ करप्शन के मामले में नहीं होता। लेकिन एटलीस्ट करप्शन के मामले में जो विभाग है उनकी तरफ से भी कुछ तत्परता दिखाई जानी चाहिए, चाहे वो पुलिस महकमे की बात हो या राजस्व महकमे की बात हो, किसी भी महकमे की बात हो, किसी भी विभाग की बात हो। इस पर हम बात करें उसके पहले एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जोधपुर से नीरज कुमार जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैंने 2016 में सरसपुर के लिए परमिशन मांगी थी, जो नगर निगम और सरसपुर वालों ने मेरे को परमिशन दी थी, पुलिस वाले मेरे को आज तक परमिशन नहीं दे रहे, और मेरे को धमकी दे रखी है कि अगर ज्यादा लपड़पंचायती की ना तो नीचे से गोली मारूंगा, ऊपर गोली निकलेगी। ये डिप्टी कमिश्नर राम सिंह चारण का कहना है। अच्छा। और उसने अपनी ट्रांसफर करवा ली तो उसकी वजह में निर्मला विष्णु आई तो उसने भी मेरे को परमिशन नहीं दी, क्योंकि वो जो लीडर था ना उसको मना करके गया राम सिंह चारण, जिनका काम ही होना चाहिए, चाहे ये प्रधानमंत्री से कहला है चाहे मुख्यमंत्री से कहला है। मैंने मुख्यमंत्री को कई बार विज्ञापन लिखा तो उन्होंने एडीएम साहब को दे दिया है कि एडीएम साहब के सही रिपोर्ट कोई नहीं दे रहा है, बहानाबाजी बना रहे हैं और बार बार मेरे को धमकी दे रहे हैं पुलिस। चलिए नीरज जी, आपकी ये जो समस्या है उसको हमने ले लिया है संज्ञान में, आगे हम अपने सहयोगियों से कहेंगे जो वहां पर लोकल सहयोगी हमारे, कि वो फॉलो अप लें, और आपने कहां कहां शिकायत की उन तमाम चीजों को हम जानना चाहेंगे, और उसके बाद इस केस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम बात रिश्वतखोरी की करते हैं तो देखिए यहाँ पर धमकी की भी बात सामने आ रही है। गोठवाल जी, बड़ी बात ये हो जाती है कि पुलिस महकमे पर इतने दाग लग जाते हैं कि आप एक ट्रक वाले से वसूली करते पकड़े जाते हैं, आप किसी को लॉकअप में अगर कोई चोरी का मामला है तो उसमें उठा कर ले जाते हैं, तो उसमें मारपीट करते हैं कि पैसे देंगे तो छोड़ देंगे। तो ये छोटी छोटी सी चोरी कहें, ऐसे हम जो कुछ भी कहें, ईमान इतना कैसे गिर जाता है? क्या मजबूरी भी होती है यहाँ पर, या सिर्फ आप मौज मस्ती के लिए आप अपना फर्ज भूल जाते हैं? नहीं नहीं, देखिए ये क्योंकि अगर नंबर वन पुलिस है तो बहुत शर्मनाक है सर, कोई और डिपार्टमेंट होता तो भी हम समझते हैं। ये करप्शन के ऊपर जो जीरो टॉलरेंस की एक पॉलिसी मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं और उसके ऊपर ये कार्यवाही करने के लिए एसीबी को फ्री हैंड दिया है, इस वजह से पुलिस के ऊपर इस तरह के चार्जेज लगे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और पुख्ता तौर के ऊपर हुई है। एक तो ये है, इसका ये कारण आपको दिखता है कि जो आपने अभी बताया कि नंबर वन खाकी के ऊपर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए हैं, तो ये दर्ज पहले भी हो सकते थे, लेकिन अब विल पावर फ्री हैंड मिलना एसीबी को, ये सर सबसे ज्यादा खाकी का सामना हर जगह आम इंसान जो है, पब्लिक जो है, वो खाकी का सामना हर जगह करती है, इस वजह से ये मामले ज्यादा। भाई राजस्व में जाना होगा तो कुछ केसेस होंगे तभी जाएंगे, आपको कोई काम होगा, यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस से भी आपको निपटना है, आपको छोटे छोटे केसेस में आपका आमना सामना होता ही है, तो इस वजह से ये मामले ज्यादा। पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है और हर रोज चाहे सड़क हो, चाहे थाने पे हो, चाहे आपके कोई किसी भी प्रकार की चोरी हुई हो, लूट हुई हो, हत्या हुई हो, या कोई भी अपराध घटित होने जा रहा है, या अपराध घटित होने से पहले की कुछ संभावना है, तो सबसे पहले
आईना जो है सरकार का वो पुलिस ही होती है और पुलिस के ऊपर हर आदमी फेत भी करता है, ऐसा नहीं है वो फेत करने के कारण जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भ्रष्ट होते हैं वो छवि को बिगाड़ते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सरकार की और मुख्यमंत्री ये जो इसके चीफ हैं ACB के मुखिया हैं उन्हीं का विभाग है ये अलग से, इसलिए ये कार्रवाई होना आपको दिखाई दे रहा है। ये बड़ी बात तो है लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर अंजाम तक नहीं पहुंचे इस ट्रैपिंग से, हम ट्रायल से होते हुए अगर सजा तक नहीं पहुंचे तो फायदा क्या, क्योंकि जो लंबी फेहरिस्त हम देखते हैं अभी सही राम मीणा वाला केस भी आप देख लीजिए कि कैसे वो नोटों पर सोने का आदि था। सर ये बता दीजिए नरुका साहब कि अगर एक IRS उसका भी जिक्र कर लेते, बहुत सारे अधिकारी हैं जो आपके समय पर बहुत तेजी से काम कर रहे थे, नोट छाप रहे थे, ये बात हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। ACP आस मोहम्मद कितने केसेस सामने आए, सही राम मीणा कितने पैसे अकूत संपदा उसके पास से बरामद हुई। ऐसे बड़े अधिकारी ऐसे पुलिस वाले नाक के नीचे अंजाम देते जाते हैं मामलों को और आपको खबर नहीं लगती क्या? मैं इसमें कहना चाहता हूं जैसे गोठवाल जी ने अभी कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास क्योंकि जो रिपोर्ट है ना सर उसमें जवाब सरकार का समय कम है, आपका ज्यादा है। आपके सवाल के जवाब पे आ रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी के पास में डिपार्टमेंट है, जीरो टॉलरेंस के आधार पे वो काम कर रहे हैं। आप ये देखें एक जनवरी से लेके और 30 जून तक का जो रिकॉर्ड है ACB ने पुलिस के डिपार्टमेंट के लगभग 27 ट्रैप किए हैं, मतलब रंगे हाथों पुलिस डिपार्टमेंट के 27 केसेस दर्ज हुए हैं जिसमें 28 लोग अरेस्ट हुए हैं। जहां तक आस मोहम्मद की बात करते हैं, आस मोहम्मद इतने दिनों तक फरार रहे और फरार रहने के बाद जो ACB का जयपुर के अंदर केस दर्ज है उसके बाद में वो कोटा के अंदर सरेंडर होकर कोटा वाले उनको यहां के लेके आते हैं। जो 88 मामले सामने आए थे आस मोहम्मद पर वो रातों रात तो नहीं हुआ कि सत्ता परिवर्तन और केसेस सॉल्व करवा दिए। आज की बात कह रहा हूं कि आज मुख्यमंत्री जी के पास में डिपार्टमेंट होने के बाद में सबसे ज्यादा पुलिस या सच्चा कार्रवाई हो रही है वो जो भी अभी गोठवाल जी कह रहे थे इतना ज्यादा निकला हुआ है, या फिर गोठवाल जी जो कह रहे थे कि कार्रवाई अब ज्यादा संजीदगी से हो रही है शेखावत। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कार्रवाई संजीदगी से नहीं हो रही है। अच्छा। अगर कार्रवाई हो तो पुलिस के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद में भी पहले तो ऑल इज वेल वाली सिचुएशन दिखा दे रहे थे आप शेखावत जी। मैं ये कहना चाहूंगा इसके अंदर कि ये जो कार्रवाई भी हो रही है ना ये केवल शिकायत पर हो रही है, हमारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, बहुत कम है अभी भी बहुत कम है। आज एक्साइज में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? शराब डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, आज माइनिंग डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, लेकिन उन पर हाथ डालने की कोई कीमत नहीं, वहाँ सेटअप है, वहाँ फिक्स है, वो पैसा देंगे नहीं। यहाँ पर सवाल शेखावत जी ये हो गया जो नरुका जी ने बोल दिया कि अब सबसे ज्यादा पुलिस वालों पर अब सामने आ रहे मामले सामने आ रहे हैं, नहीं, तो जब कार्रवाई होगी तभी तो सामने आएंगे, जब कार्रवाई नहीं होगी और इस जेल की सिचुएशन होगी, इनके सब कुछ ठीक है, सब कुछ सफेद है, क्या तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? व्यक्ति है जिसकी ऊपर तक सरकार में सेटिंग थी, वो सरकार से पूरी तरह मिला हुआ था, ऐसा कोई केस नहीं था जिसके अंदर वो और बहुत साथी किस्म का आदमी रहा है, उसने एकदम से तमाम सरकार से जाकर के अपना सेटिंग बना रखी, तो इनके समय के अंदर जो पुलिस की हालत थी वो कितनी भ्रष्ट थी और ये सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त BJP की, इसमें क्या हो रहा है, जमीनों के कितने बड़े घोटाले हुए, बिल्कुल जयपुर में शिक्षा माफिया, खनन माफिया, पूरी जमीनें बिल्कुल बिल्कुल सर इस पर बात करूंगी। एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए झालावाड़ से, राजेंद्र जुड़ गए, राजेंद्र कहिए क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ मैडम के हर साल ऑडिट होती है गवर्नमेंट कर्मचारी, ईमानदारी तो होनी चाहिए, अगर ईमानदारी से यदि ऑडिट होती है तो मैं कह रहा हूँ आपसे 90% भ्रष्टाचार निकलेगा। अच्छा राजेंद्र, राजेंद्र एक सवाल आपसे भी है मेरा, क्या जिम्मेदारी आम लोगों की नहीं बनती कि अगर कहीं पर घूस मांगी जा रही है तो अब जैसे मामले सामने आ रहे हैं आप भी आप तो पहल कीजिए, आइए सामने शिकायत कीजिए। हाँ सही है आप कह रहे हो मैडम, बाकी डरता है बेचारा आम आदमी, डरता है ना कहीं ना कहीं, डर लगता है उसको, खौफ होता है उसके अंदर बेचारे के अंदर। अच्छा कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, फंसा देंगे उसको दूसरे केस में, वो बेचारा भागता फिरेगा, डरता है, सही बोल रहा है। गोठवाल जी पुलिस का खौफ इस कदर है कि आप ना कही जाती है ना सही जाती है क्या वाकई में? नहीं नहीं देखिए ऐसा नहीं है, ACB एक अलग विभाग है और वहाँ पर हर शिकायत का एक सिस्टम बना हुआ है। नहीं वो तो आप शिकायत कर देंगे जो ये कह रहे हैं, लेकिन दूसरे केस में शेखावत जी कह रहे हैं कि दूसरे केस में फंसा देगी पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है क्या? नहीं ऐसा अभी तक तो कोई ऐसा सामने आया नहीं है कि जिसके अंदर ये कोई पक्का सबूत हो कि भाई किसी केस में फंसा दिया, लेकिन एक ये है कि आम आदमी की ये धारणा है कि गए तो हमारा शायद काम होगा या नहीं होगा, इस विश्वास को तोड़ना है, इस धारणा को तोड़ना है और ACB इसके ऊपर कार्यवाही कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर अभी जो अफसर लगे हुए 7 लाख का जुर्माना हुआ है सरकार पे, तो वो तो कह रहे मामले सामने आ रहे हैं, करप्शन के मामले में 7 लाख
करप्शन अभी बढ़ गया या सफाई अभी बढ़ गई, इसको जवाब दूंगी। एक और भी हमारे साथ जुड़ गया अजमेर से, गजेंद्र सिंह जुड़ गए। गजेंद्र जी कहिए। मैडम मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया था आना सागर चौकी ने, ये देखो जी क्या सर। बाद में एक मुसलमान थानेदार थे सत्तार खान साहब सर, उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज किया सर। फिर बात के अंदर एसीबी ने उनको भिलाई थाने में गिरफ्तार किया था सर। एक जीवन लाल जी जाट थे, उन्होंने भी सर बिल्कुल मेरी रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं करी, उनको भी एसीबी ने गिरफ्तार किया था। अब आप देख लो सर कैसे काम होता है। फिर सर आईजी श्रीमान कपिल सर, आईजी तो गजेंद्र सिंह जी, आपके केस में क्या पैसे मांगे गए थे इनकी तरफ से, ये भी तो जरा बताइए। खर्चा पानी मांगा था मैंने, नहीं खर्चा दिया, पानी मांगा था। अच्छा कितना खर्चा पानी पुलिस की तरफ से मांगा गया था? बस ये कहा खर्चा पानी दो। और सर थानेदार जी अखबार ही उल्टा पढ़ने लग गए, जब मैंने कहा एसीबी से बात कर लो आप, नहीं करी सर मेरी रिपोर्ट में कार्रवाई, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। नहीं ये इसके अंदर ये प्रकट कर रहा है ना कि ये मेरी रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने सूचना के अधिकार के तहत निकलवाया सर वो कागज, अभी तक है मेरे पास वो। अच्छा जी, बाद में मैंने गृह सचिव महोदय को पत्र लिखा। हाँ ठीक है गजेंद्र जी, ठीक है। ये खर्चा पानी वाला सिस्टम कब तक चलेगा? खर्चा पानी में बहुत कुछ खर्च हो जाता है लेकिन यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो पाता, ये खर्चा पानी समझ से परे है सर। जाते हुए आप ट्रकों से भी खर्चा पानी ले लेते जी सर। खर्चा पानी की दो कार्रवाई हो गई इन्होंने जैसा बताया। सबसे पहले मेरा ये कहना है कि डिबेट जो है वो किसी, ये जो करप्शन का जो इशू है ये किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, न किसी कास्ट से रिलेटेड है, न किसी स्टेट से रिलेटेड है, ये एक राष्ट्रीय समस्या है। क्योंकि भौतिकवादी युग में जो हमारी ग्रीड बढ़ रही है, जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स की ग्रीड बढ़ रही है, उसके कारण से कितना भी पैसा हो हम और पैसे की हमको इच्छा हो रही है और उस कारण से हम ये पैसा ले रहे हैं। हमने देखा है पब्लिक सर्वेंट्स को बहुत हाई सैलरी मिलती है लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक सर्वेंट्स छोटे छोटे कामों के लिए पैसा ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पैसा लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह किसी डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड नहीं है, इसमें केवल पुलिस डिपार्टमेंट का या केवल माइनिंग डिपार्टमेंट का या केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का दोष नहीं है, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका दोष है। लेकिन 24 साल जी, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के तौर पर देखे जाते हैं, वो इसलिए मानेंगे कि वहाँ पर तो ऊपर से नीचे तक चलता है और आप उसकी सफाई नहीं कर पाते। वो इसलिए है क्योंकि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है उनके पास वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। एक पुलिस का जो कांस्टेबल होता है उसके पास में बहुत बड़ी पावर्स हैं। अगर आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च कराने जाते हैं, अगर वो कांस्टेबल चाहे तो आपकी रिपोर्ट लॉन्च करे, वो चाहे तो आपकी रिपोर्ट लॉन्च नहीं करे, अगर वो चाहे तो एक्यूज को पकड़ने जाए चाहे तो नहीं जाए, उसके हाथ में बहुत सारी पावर्स हैं। वो रिपोर्ट लॉन्च करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन फेयरली करे या नहीं करे ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जहाँ पर ज़्यादा पावर्स हैं वहाँ पर मिसयूज की ज्यादा गुंजाइश है। अच्छा। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आप कह सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ज्यादा एलिगेशंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ पे एक पटवारी है, वो पटवारी को एक म्यूटेशन खोलना है, नामांतरण खोलना है, उसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी का कन्वेंस हुआ है, सेल डीड के द्वारा हुआ है या किसी की डेथ हुई है, तो नेचुरली अगर उसका डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है तो उसके बेसिस के ऊपर उसको म्यूटेशन खोल देना चाहिए। चलिए सर, लेकिन वो म्यूटेशन खोलता नहीं है और उसके लिए भी डिमांड करता है। अच्छा, पूरे राजस्थान में कहीं भी आप रजिस्ट्री कराएं। अरे शेखावत जी, जब इतना खुला खुला खेल चल रहा कि 2% कमीशन फिक्स है तो आप उजागर क्यों नहीं कर देते? जरा आप भी स्टिंकर के लिए आइए, आपको भी तो फर्ज बनता है विपक्ष में बैठे। नहीं वो तो ठीक कह रहे हो आप, लेकिन ये तो सिस्टम में नहीं करोगे तो करेगा ही नहीं आपका। अरे तो आप पैसा नहीं दोगे सिस्टम को सुधारने के लिए तो सियासत आते हैं, हर बोल बच्चों को यही सुनाई देता है ना। वो पैसे देते हैं क्या करें? शेखावत आम आदमी बोल रहे हैं कि तो सफाई करने के लिए आया ना सिस्टम की। सफाई कौन कर पा रहा है? सिर्फ वादों में करेंगे, दावों में करेंगे। अरे आप भी नहीं आते जब इतना आपको पता है कि 2% कमीशन फिक्स है। एक फील्ड को आप भी नहीं बोल, आप लाइए कोई स्टिंग दीजिए, हम चलाएंगे उसको। अभी न्यायालय में क्या बिल्कुल ठीक चलता है? कोर्टों में हर बाबू फीस लेता है। मैं आपको बताता हूँ, एक जज सस्पेंड हुआ इसी सेशन कोर्ट में और वो दूसरे दिन इसी कोर्ट में फाइल लगाने गया, पर फाइल 3 फाइल थी, 200 रुपए बाबू को दे रहा था और सारे वकील हंसने लगे। ये इसी सेशन कोर्ट की बात है। अरे मैं ये कह रही हूँ कि विपक्ष के तौर पर आपकी जिम्मेदारी अगर है तो आपको स्टिंग करके लाइए, फर्स्ट इंडिया चलाएगा और हम उस पूरे विभाग के महकमे के तमाम अधिकारियों को खड़ा करेंगे यहाँ पर। ठीक है सर, एक और व्यूअर जुड़ गए, 2% कमीशन की बात करेंगे हम। टिंकू शर्मा जुड़ गए दौसा से, टिंकू क्या कहेंगे आप? मैडम नमस्ते। नमस्कार सर। मैडम मैं दौसा में महुआ का कस्बा है वहाँ से बोल रहा हूँ, वहाँ पे हॉस्पिटल के सामने थाना है, तो वहाँ पे वो पुलिस वाले जबरदस्ती पकड़ रहे हैं और किसी से 100 ले रहे हैं, किसी से 150 ले रहे हैं। और कौन से पुलिस वाले, जरा आप वहाँ के जो आप पुलिस वाले जिनके ऊपर आरोप लगा रहे, सिपाही हैं, थाना इंचार्ज हैं, कौन है जरा बताएंगे? मैम उनकी टीम है, 4-5 लोगों की, तो शायद उसमें सिपाही भी है, पुलिस वाले भी हैं, पर वो किसी से 100 ले रहे हैं। क्षेत्र बताइए, उस कौन से पुलिस थाने की आप बात कर रहे हैं? मैम मेवा थाना है।
कौन सा? महुआ, महुआ थाना है। महुआ थाना, अच्छा। तो कैसे पकड़ते हैं, क्या कहते हैं आपसे? मतलब जैसे कोई भी इधर उधर से हल्की सी भी जाता रहता है तो उसको पहले तो डरा देते हैं पूरी तरीके से। क्या कहते, डराते हैं? आखिर ये दिखाओ वो दिखाओ। अब गांव के मैम नॉर्मल आदमी है, इंश्योरेंस पॉल्यूशन के बारे में अभी इतना जानते नहीं है तो पूरा धमका देते हैं। पुलिस वाले तो आपसे खाली पहचान पत्र मांगते होंगे या फिर अगर आप बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते होंगे या गाड़ी चलाते होंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस पूछते होंगे। वो सारी चीज देने के बाद में पॉल्यूशन व्हीकल मतलब उल्टे सीधे जो भी जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो उनके पास अवेलेबल नहीं। ये तो जरूरी है आपका भी जाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फिर कितना पैसा मांगा जाता है? उससे कभी 100 मांग लेते हैं, किसी से कभी 200 मांग लेते हैं, पैसे नहीं देते तो गाड़ी को अंदर बंद करने। महुआ थाने की बात करें टिंकू जी, हम भेजेंगे अपने संवाददाता को वहां पर, और आप अगर सही बोल रहे हैं तो आप जरूर मिलिएगा उनसे, बात कीजिएगा ताकि हम पहुंचे तो कम से कम ये पुलिस वाले कौन है जो आप कह रहे हैं। आप नाम तो बता नहीं रहे किसी का, और उनकी रैंक भी नहीं बता रहे। एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गया, झुंझुनू से कुलदीप जुड़ गए। कुलदीप, आप क्या कहेंगे? जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकेला कोई डिपार्टमेंटल वर्कर ही जिम्मेवार नहीं होता है, इसमें जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। हाँ जी मैडम, इसमें ये होता है, फर्स्ट ये होता है कि जैसे दो कैंडिडेट होते हैं आपस में, उनके कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो एक कैंडिडेट कहीं ना कहीं उनको कॉन्फ्लिक्ट में जिम्मेवार होता है और वही आगे जाकर के कहीं ना कहीं पैसे ले देकर के अधिकारी को वर्क को भी मजबूर करता है या फिर कहीं ना कहीं से वो ऐसी जिम्मेवारियां उनके ऊपर डालता है या फोर्स डालता है जिनके कारण से ये करप्शन होता है। इसमें मेनली पुलिस डिपार्टमेंट ही जिम्मेवार नहीं होता है कि एक अकेला पुलिस डिपार्टमेंट ही जिम्मेवार है। इसमें सभी अपने होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है कि सभी तरह से देखा जाए कि उसमें समाज का कितना रोल है, पब्लिक का उनका जो ऑफिसर्स हैं उनका कितना रोल है, जो पॉलिटिशियन है उनका कितना रोल है। ग्लोवर का रोल नहीं निभाती है जो रहता, शायद इस वजह से सिचुएशन बनती चली जाती है और ये खर्चा पानी के नाम पर आप और उनकी जरूरतों को बढ़ाते जाते हैं, उनके इन कारनामों को बढ़ाते जाते हैं, शायद ये यहाँ पर कुलदीप कहना चाहते हैं। नरुका जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने कितनी कार्रवाई की थी, आपके पास कुछ डेटा है क्या कि एसीबी ने आपके उन 5 सालों में कितने एक्शन लिए, कितने में सजा मिली? क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है 2500 मामले ट्रायल में और वो सारे 18 के समय जो पकड़े गए थे, ट्रैप किए गए थे, वही मामले हैं यहाँ पर। जैसे अभी आपके जो रुके उन्होंने बताया कि समाज की भी जिम्मेदारी है, समाज के साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आगे से आगे कदम उठा। आपने क्या किया? ये सरकार है जो भ्रष्टाचार आगे बढ़े कदम उठा रहा है। आज आप विभिन्न थाने देख लें, मैं जयपुर के थानों की बात करूं, शास्त्री नगर में लाल कोठी के अंदर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, शास्त्री नगर में मुकदमे दर्ज हुए, आदर्श नगर में मुकदमे दर्ज हुए, बेखौफ होके लोग सड़कों पे आके अत्याचार कर रहे हैं लेकिन पुलिस वाले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। मॉब लिंचिंग कानून बना रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मॉब लिंचिंग कानून बना रहे हैं। सेकंडली मैं बता रहा हूँ, परिवहन मंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा है कि हम ये एक्ट लागू नहीं कर रहे हैं। सीधा सा था, सालों में भ्रष्टाचार को लेकर आपकी सरकार ने क्या किया? परिवहन मंत्री जी प्रेजेंट टाइम में सरकार ये कह रही है कि हमारे से भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। उस कानून को जो सरकार है वो खुद भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रही है। अपनी सरकार की बात क्यों कर रही है? बड़ा भ्रष्टाचार रहा है ये तो आपको पता ही चलता है कि जितने भ्रष्टाचारी अधिकारी थे उनको इन्होंने वापस बहाल किया है, खुद मुख्यमंत्री ने। इससे साफ जाहिर है कि उससे साफ जाहिर होता है कि वो खुद भी उनमें मिले रहे थे। तो ये कहना इनके द्वारा आज अगर कानून लागू नहीं कर रहे तो 10,000 रुपए की माना बहुत गलत है। आज 7,000 रुपए तनख्वाह राजस्थान में मजदूर और कर्मचारी की तनख्वाह 7,000 और जुर्माना 10,000। आज यूपी पुलिस ने आज उत्तर प्रदेश के गुड़गांव में एक्टिवा का इनका चालान हुआ 33,000 रुपए का। अरे जवाब तो दे दीजिए, जो सवाल मैंने पूछा था वो लड़का जी पूछ रहे हैं, एप्लीकेशन लगाई क्या, किसी केस को उठाया क्या? 33,000 रुपए आपका क्या बोलिए? कानून लेके आ रहे लोगों को मारोगे क्या? कानून का मतलब है कि लिमिट का जुर्माना होना चाहिए। आम लोगों को मारने का काम कर रहे हो, आपका एक मंत्री मारा गया गोपीनाथ मुंडे, उसको लेके पूरे देश को सजा दे रहे हैं बीजेपी वाले। 10,000 का जुर्माना मेरी तनख्वाह 7,000 रुपए महीना। ये एक ही थाली के चट्टे मट्टे हो गए आप लोग। एक मिनट रुकिएगा सर, वीवर जुड़ गया हमारे साथ, वीवर जुड़ गया, एसएल प्रजापत जुड़ गया बीकानेर से। आपकी सारी बातें वो लोग भी सुन रहे हैं कि सवाल क्या पूछा जा रहा, जवाब क्या।
मौका मिला और आप भी उसी में उसी राव में चल रहे हैं। ठीक है, एसएल प्रजापत जुड़ गए हैं बीकानेर से। एसएल प्रजापत जी कहिए क्या कहेंगे। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। नमस्ते, मेरा ये कहना है कि पुलिस आज नंबर वन भ्रष्टाचार में मानी जा रही है जी, लेकिन आरोप तो अपन सभी लगा रहे हैं कि पुलिस नंबर वन पे है, लेकिन ये बताओ कि कॉन्स्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर तक जो इनका आय का स्रोत है या फिर इनकी सैलरी है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो लोग किसी शहर में अच्छा मकान खरीद सके, उनके बच्चे मेडिकल में एडमिशन ले सके, उनके बच्चे इंजीनियरिंग कर सके। और ये हकीकत है मैडम, आप आज मैं गारंटी देता हूँ आपको, पूरे राजस्थान के इंस्पेक्टर लेवल तक कम से कम 100 बच्चे ऑन पेमेंट मेडिकल की सीटों पे है, बाकी 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ का पैकेज है, इनसे पूछा गया कहाँ से पैसा आया। तो सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे की इनके बच्चों को शिक्षा का, रोजगार का, इनके कोई रहने की सुविधा का ऐसी व्यवस्था करे की वो भ्रष्टाचार करेगी। चलिए ठीक है सर प्रजापति जी, और हमारे साथ एक और व्यूवर है, उनका भी व्यू जान लेते हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। अक्रम खान जयपुर से जुड़ गए। अक्रम आप क्या कहेंगे। हेलो जी अक्रम जी। मैम मैं झोटवाड़ा जयपुर से बोल रहा हूँ जी सर, जहाँ पे इनकी पोस्टिंग थी आस मोहम्मद जी की जी। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं झोटवाड़ा क्षेत्र से बोल रहा हूँ जी सर। जिस क्षेत्र से एसीपी आस मोहम्मद जी की पोस्टिंग थी और यहाँ पे जो उनका जो एसीपी ने जो कांड हुआ था रिश्वतखोरी का, तो मैम यहाँ पे इतने प्रॉपर्टियों के इतने मतलब पुलिस की मिली भगत से इतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, जिसमें झोटवाड़ा थाना बहुत ज्यादा करप्ट था। अच्छा, और मैम ये बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन कब से अक्रम जी जरा सा टाइम बताएंगे की कब से ये वहाँ पर पूरा खेल चल रहा है, आप कुछ बता सकते हैं? या अभी अचानक से बढ़ा है या पहले से था? बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, वो भी सुनना चाहते हैं। हाँ मैडम, ये पहले से था, लेकिन एसीपी की टीम आई। हाँ। सरकार ने सख्ती की। हाँ। और सरकार ने इनको खुली छूट दी तो इन्होंने कार्रवाई की। अच्छा, और ये पहले कब से चल रही थी? ठीक है अक्रम जी, पहले कब से ये खेल चल रहा है जरा ये भी बता दीजिए। मेरी नॉलेज के हिसाब से ये साल दो साल से चल रहा था, खुल्लम खुल्ला चल रहा था जी। अच्छा, खुल्लम खुल्ला दो साल से। सर अब जवाब दे दीजिए नरुका जी, अब ये तो सुन लिया आपने। अक्रम जी ने कहा खुल्लम खुल्ला दो साल से चल रहा था, एसीबी भी यही थी, झोटवाड़ा थाना भी यहाँ था। कौन सी ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई जिसपे सरकार ने कार्रवाई नहीं की? सरकार ने जो भी रिपोर्टें दर्ज हुई उस पर कार्रवाई की, मुलजिम को अंदर डाला। ये तो ये मैटर जो एफआईआर दर्ज हुई आस मोहम्मद जी की बात कर रहे हैं, आस मोहम्मद जी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन जयपुर के एसीबी के पास चल रहा है उसमें आस मोहम्मद जी कोटा में जाके सरेंडर हो रहे हैं। अरे फिर वही बात आप कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दो साल से यहां की जनता परेशान थी, दो साल से यहां की जनता परेशान थी। अक्रम जी ये कह रहे हैं कोटा का जो थाना है वो इतना स्पेशल हो गया कि सभी एंटी करप्शन के जो मुलजिम है वो कोटा में जाके सरेंडर हो रहे हैं। इसके पीछे भी कुछ खेल लगता है आपको कि कोटा में क्यों गिरफ्तारियां हो रही है, पूरा खेल लग रहा है? पूरी सरकार ये चाह रही है, पूरी सरकार कह रही है कि हमारे से भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा। मैं ये बात कह रहा हूं, आपने काटा है एक मिनट, आई ऑब्जेक्ट, दूसरी बार ये बात आपने बोल दी नरुका जी दूसरी बार ये बात आपकी तरफ से कही गई है। नरुका जी सुन लीजिए प्लीज सर, सुन लीजिए ना, मैं ऐसे चीखी जा रही हूँ, गला मेरा भी दुखता है, ठीक है? आप लोग तो सियासतदान, आप लोग तो बोलने में माहिर होते हैं। मैं ये कह रही हूँ, आप दूसरी बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार उसके बस की बात नहीं रोकना। जरा वो स्टेटमेंट बताइए, उस मंत्री का नाम बताइए और किस दिन बोला गया, जरा ये बताइए। अनर्गल आरोप मत लगाइए, इस शो में सिर्फ फैक्ट्स की बात होगी नरुका जी, सिर्फ फैक्ट्स की बात होगी। अगर ऐसा है मैं बता रहा हूँ आपको, प्रिंट मीडिया में और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जब ये कानून बना कि परिवहन कानून जो 1 तारीख से लागू हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू बनाया, उस कानून को राजस्थान गवर्नमेंट केवल इसलिए लागू नहीं करना चाहती कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बहुत राज्य नहीं कर रहे, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। शेखावत जी मैं बोल रहा हूँ, पहले मेरा जवाब सुन लिया, आपकी कौन सी सरकार है जो नहीं कर रही? आप उसके प्रतिनिधि बन गए, आप इस सरकार के प्रतिनिधि बन गए, बता दें आप इस सरकार के प्रतिनिधि बन गए, बता दें आप। ये जुर्माना केवल इसलिए कानून लागू नहीं कर रही कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा, उनके केवल दो शब्द हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जो सरकार कानून भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लेकिन ये थोड़ी ना कि हमारे बाहर हो गया है, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रही है, इससे बड़ी नकारा सिद्धि क्या हो सकती है कि सरकार कानून केवल इसलिए लागू नहीं करती कि उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अच्छा तो सुनिए, आप सवाल इसको सुनिए, आप जरा सवाल सुनिए, बजरी का माफिया आपकी सरकार में कितना पैसा कमाया ये भी बताओ सर, आप जरा यहाँ पे बजरी माफिया से कितना पैसा बीजेपी ने कमाया? आप ही के राज में चालू हुआ, सवाल पूछ लेते हैं, एक मिनट, आप ही के राज में चालू हुआ। आपने जो बात कही ना उसी पे मैं सवाल पूछ लेती हूँ सर। देखिए ट्रैफिक पुलिस की स्थिति क्या है सबको पता है, वहाँ पर कितने प्रतिनिधि हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं उनके पास, कितना मैन पावर है उनके पास, बाकी इक्विपमेंट्स कितने हैं, इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। अभी जो जेडीएस सर्किल पर दो बड़े हादसे हुए थे, ये देन कौन देखे गया? जब लोग ही नहीं होंगे, जब वहाँ पर संसाधन नहीं होंगे तो आप कैसे मॉनिटर कर लेंगे सर?
पांच साल में आपने क्या कर लिया था? भर्ती नहीं की पांच साल में किसी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट नहीं। अरे आपको पकड़ना है किसी चोर को तो नजर तो रखनी होगी। नजर कैसे रखेंगे, कहां से रखेंगे? आपके जितने भी चौराहे हैं जो मेन सिटी है उसमें सब में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, बाकायदा कंट्रोल रूम खोला गया। मुख्य चौराहों के लिए तो ये नियम नहीं है ना? ये सिर्फ उन्हीं मुख्य चौराहों के लिए नियम नहीं है ना गोपाल जी? क्या सिर्फ उन्हीं मुख्य चौराहों के लिए नियम है? नहीं ऐसा है देखो। और इस स्टेटमेंट से कहां ये साबित होता कि सरकार ही कह रही कि भाई हम तो असमर्थ है, हम तो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे भ्रष्टाचार। सरकार खुद कह रही है भ्रष्टाचार रोक मिटाएंगे, भ्रष्टाचार इससे ज्यादा बढ़ेगा, इससे ज्यादा और क्या होगा? गोटवाल जी कानून केवल इसलिए लागू नहीं किया गोटवाल जी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अरे कानून की लागू होना चाहिए लेकिन उसके पहले कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। कानून पर जुर्माने की जो राशि है बहुत ज्यादा है। मैं इसी के ऊपर आ रहा हूँ। 33,000 का जुर्माना कर दिया एक्टिवा वाले पे गुड़गांव में, कैसे दे पाएगा एक आदमी? ये तो बताइए ना कि जिनकी तनख्वाह नहीं है 10,000 रुपए जुर्माना होना चाहिए जो आदमी दे सके। इसलिए लागू नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आप दोनों पॉलिटिकल जो लीडर्स है वो बेचारे हमारे आईपीएस रह चुके हैं, उनकी आवाज दबा रहे हैं, हमारे एडवोकेट है जो उनको बोलने तो दीजिए। गोपाल जी के कानून अपनी जगह है, वो भी लागू होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो प्रक्रियाएं हैं अवेयरनेस की होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को स्कूल में पहली स्कूल में पढ़ाइए ना कि ये हेलमेट लगा के जाइए, पापा आप खुद ये जाइए, स्कूल का सिलेबस होना चाहिए। मैं जो कह रही थी अगर भ्रष्टाचार कंट्रोल करना है यहाँ पर तो उसके लिए संसाधन भी तो होने चाहिए शायद ना सर? मैं यही कह रहा हूँ कि इसको अवेयरनेस कैंप इनको चलाना चाहिए। कुछ जैसे इक्विपमेंट है वहाँ पर रोड्स के ऊपर है, लाइट है। क्योंकि ये मसला सिर्फ मुख्य चौराहों का ही, आपकी वीवीआईपी इलाकों का ही नहीं है सर ना, बाकी पूरे प्रदेश की बात के ऊपर भी है। उनकी ट्रैफिक इंजीनियर सर चौबीसा जी के पास भी आऊंगे क्योंकि एक इशू बहुत बड़ा हो जाता है कि आप लॉ तो बना देते हैं लेकिन उसको लागू कैसे करवाएं। और ये की जो पेचीदगी की बात है जिससे भ्रष्टाचारी बचकर निकल जाते हैं उस पर हम बात करें। ये भ्रष्टाचार का ये जो दीमक है या ये जो चीटियां हैं ये चट कर रही हैं सिस्टम को, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ विवर जुड़े हुए विशंबर गुप्ता भरतपुर से। विशंबर कहिए अपनी बात। तो शायद उनसे संपर्क टूट गया। विजय गुप्ता जयपुर से, विजय कहिए अपनी बात। विजय आपको आवाज जा रही है क्या? चलिए तीसरे विवर मनोज चौधरी जयपुर से। मनोज आप कह सकते हैं, बता सकते हैं क्या आप कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार पर? हाँ जी आवाज आ रही है जी। जब ये आ रही आवाज आ रही है जी, मनोज कहिए क्या कहेंगे? जब भी ये रंगे तो अधिकारी कर्मचारी पकड़े जाते हैं, उसके 6 महीने बाद साल भर बाद में वापिस बहाल हो जाते हैं, उनकी पदोन्नति भी हो जाती है और की पोस्टों में भी लग जाते हैं, तो भ्रष्टाचार का इनको बढ़ावा मिलेगा, इनकी तो हिम्मत खुल जाएगी भी अब हम और खुल के भ्रष्टाचार करेंगे। बिल्कुल ये यही सवाल तो सबसे बड़ा सवाल है, मनोज ने सवाल उठाया चौबीसा जी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और दोनों पार्टियां कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों को मालूम है हमारी पार्टी में किस नेता के पास कितनी संपत्ति है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की सोच ही नहीं सकता। ये बहुत सही बात बोल रहे हैं आप। और जैसे जैसे चुनाव दर चुनाव हम आगे बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी में इजाफा होता चला जाता है, भगवान जाने वो कहां से आ जाता है। और इंटरनल बैंक की भी बात सामने आई थी कि कैसे एक दूसरे की आप कभी बेटी के नाम पर कभी बेटे के नाम पर कभी पत्नी के नाम पर पैसे का लेन देन और कर्ज तक दिखा दिया जाता है। वो भी इस पर भी समझेंगे कि ये खेल कहां से कहां तक होता है। और सुरेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक व्यूअर। सुरेश कहिए आप क्या कहेंगे? मैडम मैं ये प्रोग्राम काफी समय से देख रहा हूँ अभी जी। ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो आज आपने उठाया बहुत ही सराहनीय प्रयास है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में। दूसरा मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ ये नासूर जो फैला हुआ अभी समाज में ये इस तरह सुधार नहीं होगा। इसकी जो सबसे मोटी वजह मेरे को वो लग रही है कि ये जो सिस्टम है जिसमें अगर कोई जैसे ये ट्रैप का मामला चलता है या कोई कर्मचारी अधिकारी पकड़ा जाता है तो इसमें ये होता है कि भाई आप उसको सस्पेंड कर देते कार्यवाही के नाम पे, कोर्ट में केस चलता है, आने वाले टाइम में उसका कोई फैसला कुछ नहीं होता, वो निश्चित तौर पे सभी बहाल होते हैं। बहाल होने के बाद अगेन वही सर्विस में आ जाते हैं। फर्क क्या पड़ा? यही एक वजह है कि जिसकी वजह से इनके भाव खुले हुए रहते हैं, आव खुले हुए रहते हैं और ये अगेन उस लाइन में वापस आ जाते हैं। चलिए तो मैं ये समझता हूँ इसका शायद ये उपाय हो सकता है कि जब ये कोई कर्मचारी अधिकारी जब भ्रष्टाचार के मामले में रंगे हाथ पकड़ा जाता है एसीबी द्वारा या कैसे भी, वो जब साबित हो जाए
तो आप उसको सस्पेंड करने के बजाय उनको सर्विस से बर्खास्त करने का सिस्टम कम से कम जब ट्रायल चल रहा तो उस दौरान कम से कम प्रमोशन और इन सब चीजों को लेकर तो कोई स्ट्रिक्ट फॉलो किया जाए, यानी कि जेल से और ज्वाइनिंग मिल गई तुरंत। ठीक है सर, आप बने रहिए। एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए, सुरेश जुड़ गए, सुरेश शर्मा पाली से। सुरेश जी आप क्या कहेंगे? मैडम मेरा निवेदन ये है कि रिश्वतखोरी में जब भी कोई पकड़ा जाए तो उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करते हुए एक निर्धारित समय अवधि में उस केस का फैसला किया जाना चाहिए, ट्रायल हो जाना चाहिए पूरा। बिल्कुल, मतलब पूरा उसका जो भी डिसीजन लेना है, आइदर इट विल बी वन ईयर और टू ईयर, व्हाट एवर दैट इज, दो साल से ज्यादा नहीं। देयर शुड बी अ डेडलाइन, देयर शुड बी अ डेडलाइन, ये ट्रायल के लिए डेडलाइन होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। और इंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। इंद्र कुमार आप क्या कहेंगे? मैम नमस्ते। नमस्कार सर। मैडम मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी संस्कृत विभाग का रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हूँ। जी सर। मुझे मैम हर महीने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC से ना 35,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है हर महीने। तो मैम मैं डॉक्टर महिपाल यादव के निर्देशन में रिसर्च कर रहा था, तो मेरे गाइड ने मुझसे 40,000 रुपए लिए थे रिश्वत के रूप में। तो ACB सर ने उन्हें रंगे हाथों ट्रैप कर लिया 2017 में। मैम उसके बाद से लेकर आज 2019 तक राजस्थान विश्वविद्यालय का जो संस्कृत विभाग है, शोध विभाग है और कुलपति जी सर हैं, मेरी स्कॉलरशिप रोक ली गई है। मेरी स्कॉलरशिप के 7 लाख रुपए रोक लिए गए। मैम कभी भी कोई भी काम मेरा समय पर नहीं हो रहा। मैंने अच्छा काम किया, मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए था, उसका दंड मिल रहा है मुझे आज। ये एक बहुत बड़ी बात है। चौबीसा जी अगर कोई विसल ब्लोअर की भूमिका निभाता है तो क्या उसको सजा मिलेगी? नहीं, बिल्कुल सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो एक वाइट कॉलर्ड क्राइम है, ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस है जो कंट्री की हेल्थ और वेल्थ दोनों को इफेक्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि दो पक्षों में झगड़ा होता है, गुस्से के कारण किसी का मर्डर हो जाता है, वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से होता है। लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत भ्रष्टाचार किया जाता है और एक सोची समझी रणनीति के तहत पैसा लिया जाता है। तो ये जो ऑफेंस है वो ऐसे ऑफेंस है जो परिस्थितियों के कारण होते हैं, उनसे भी ज़्यादा घातक ऑफेंसेज हैं। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा और इसके लिए सभी सरकारों को एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनानी पड़ेगी और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा इसके बारे में कि देखिए आपकी जो नहीं, लेकिन यहाँ पर मसला तो वही पेचीदगी की आके ना सर, कि हम ट्रायल के लिए कोई डेडलाइन नहीं रखते, ट्रायल कंप्लीट होता नहीं है, जो विसल ब्लोअर की भूमिका में होते हैं उनको सजा मिलती है, वो कैसे नॉक करें, वो अपने हक के लिए कैसे लड़, जैसे इंद्र यहाँ पर बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर कानून में कई कमियां हैं, जैसे सबसे बड़ी कमी है, मैं महसूस करता हूँ कि धारा 167 CRPC में एक प्रोविजन है जिसमें अगर प्रेस्क्राइब टाइम पर चालान पेश नहीं होता है तो अक्यूज को राइट होता है बेल का। तो जो अक्यूज इन्फ्लुएंस ही होते हैं वो पुलिस को इन्फ्लुएंस करके उस प्रोसेस में डिले करते हैं और चालान प्रेस्क्राइब टाइम में पेश नहीं होता है। चर्चा कर चुके, लेकिन इसमें बड़ी बात तो आ जाती है गोठवाल जी, बड़ी बात ये आ जाती है कि अगर कोई SP लेवल का या फिर एडिशनल SP लेवल का कोई ऑफिसर है वो किसी केस में फंसता है, कुछ दिन या कुछ महीने जेल में रहता है और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि वो DIG रैंक पर प्रमोट हो जाता है। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आपको दे दी गई, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, आपके उस ट्रायल का क्या रिजल्ट आए, तमाम चीजों को क्या देखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जितनी कुर्सी आगे बढ़ रहे हैं यानी वो भ्रष्टाचार अपने एक एक लेवल बढ़ रहा है। हाँ, ये देखिए कि इसके अंदर दो सरकारें काम करती है, स्टेट लेवल के अफसर की तो यहाँ DOP राजस्थान गवर्नमेंट से सेंक्शन मिल जाती है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। IPS और IAS अधिकारी और जो सीनियर हो जाते हैं उनकी केंद्र सरकार उसकी परमिशन देता है कि आइदर इनका प्रोसिक्यूशन किया जाए या नहीं किया जाए। उसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, यहाँ की सरकार वहाँ केंद्र सरकार को लिखती है, वहाँ की DOPT फिर वहाँ राष्ट्रपति तक ये मैटर जाता है और उसके बाद में ये सेंक्शन मिलती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक लंबा प्रोसीजर है, इसको कहीं ना कहीं शॉर्ट करना चाहिए और इसके अंदर कोई डेडलाइन तय करनी चाहिए कि विभागीय कार्रवाई के लिए अगर है तो वो जब तक ये केस चलेगा कोर्ट के अंदर तब तक वो बहाल नहीं हो और वो उनका प्रमोशन भी नहीं हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें कानून के अंदर विभागीय कार्रवाई को कठोरता पूर्वक लागू करना ही हमारी एक वो होगी जिससे कि सरकारों की जो क्वेश्चन मार्क है कि ये प्रमोशन हो जाते हैं ये हो जाते हैं उससे बचा जा सकता है। संक्षेप में शेखावा जी। सुषमा जी मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये अगर कोई भ्रष्टाचारी है वो IAS क्या भारत का अगर प्रधानमंत्री भी है उसको तुरंत प्रभाव से कार्रवाई, किससे परमिशन की जरूरत, लेकिन ये लोग कानून बनाने वाले खुद आए लेकिन विभाग के अधिकारी परमिशन नहीं देते ना, अभियोजन सुनिए, सुनिए, अनुमति नहीं मिल पाती, ये सुनिए वही मैं कह रहा हूँ
बनाओ या अनुमति की जरूरत क्यों? आईएएस और आईपीएस exactly. देश के कानून हाँ. बनाने वाले हैं हाँ. उन्होंने अपने आप को संक्षेप में सर दरुका जी वक्त खत्म। कानून बने हुए पीसी एक्ट है, सीआरपीसी है, उसमें नहीं, प्रोविजन है, अम्ब्रेला बना लिया, प्रोटेक्शन शील्ड बोलेंगे, सुरक्षा कवच, प्रोविजन कोई किसी सरकार ने अभी या आगे बाकायदा प्रोसेस है। जैसे गोटवाल जी ने कहा, ये बिल्कुल बात सही है कि जो भी अगर किसी के खिलाफ कोई ट्रैप की कार्रवाई हुई तो क्रिमिनल एक्टिविटीज अलग चलती है और डिपार्टमेंटली कार्रवाई अलग चलती है। और एक जैसे केस ऑफिसर है, मैंने ये देखा सर, संक्षेप में ये शील्ड, ये प्रोटेक्शन शील्ड को ब्रेक क्यों नहीं किया गया? बस दैट्स इट। जो केसेस हैं सर, लास्ट सर वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, अपना देश आदर्श। नरुका जी जवाब देंगे नहीं देंगे, खत्म करूं मैं। ये प्रोटेक्शन शील्ड ब्रेक क्यों नहीं हुई? भ्रष्टाचारी है, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई। चलिए ठीक है भाई, बात आगे घूमते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल फिर यही है कि ट्रायल के लिए कोई डेडलाइन क्यों नहीं? सवाल फिर यही है कि ट्रायल कमजोर क्यों, तैयारी क्यों नहीं? सवाल फिर ये कि ये जो विभागवार हमें एक परमिशन की जरूरत होती है, वो शील्ड आखिर कब ब्रेक होगी? सवाल नंबर चार की सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी को कब समझेगी? और इन सब के पीछे सबसे बड़ा सवाल कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके विसल ब्लोअर बन के आगे जाते हैं तो हमारे हक के प्रोटेक्शन का क्या होगा? उसके लिए क्या कुछ नियम है, उसे कैसे आप पा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके बिना भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता और सियासी मंशा तो सबसे बड़ी यहां पर है ही। जब तक वो अच्छी नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।